सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जीवन में पुण्य और लाभ पाने के लिए हर मनुष्य कई धर्म कर्म करता है। शास्त्रों में ऐसे कई कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं जिन्हें केवल देख लेने से ही मनुष्य को पुण्य और लाभ की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक गोमूत्रं गोमन्दुन्वं गोधूलिंगोष्ठगोष्पदं पक्कसस्यान्वितं क्षेत्रंश्चा पुण्यं लभे ध्रुवं, अर्थात गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूलि, गोशाला, गोपुर और पकी हुई खेती से भरा खेत देखने से पुण्य लाभ होता है। एक, गोमूत्र। गोमूत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र में माँ गंगा का वास होता है। गोमूत्र को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसे पीने से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। गोमूत्र को धारण करने मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार गोमूत्र को केवल देख लेने से ही मनुष्य को पुण्य और लाभ की प्राप्ति हो जाती है। दो, गोबर। गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। शास्त्रों में गाय को भगवान के समान माना जाता है। गाय के गोबर का भी बहुत महत्व है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय का गोबर का प्रयोग किया जाता है। यदि मनुष्य पवित्र भावना से गाय के गोबर को मात्र देख ले तो ही उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तीन, गोदुग्ध। गाय के दूध के कई फायदे होते हैं। गाय का दूध कई रोगों के लिए दवाई का काम भी करता है। कलयुग में गाय का दूध भी अमृत के समान बताया गया है। जो मनुष्य गाय को दूध देते हुए देख ले उसे निश्चित ही शुभ फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चार, गोधूलि। कई बार गाय अपने पैरों से जमीन को खुरचती है। ऐसा करने पर जमीन से जो धूल निकलती है उसे गोधूलि कहते हैं। कहा जाता है गाय के पैरों से खुरची हुई धूल भी पवित्र हो जाती है। गोधूलि को देख लेने मात्र से ही मनुष्य को कई गुना पुण्य की मिल जाता है। पाँच, गोशाला। जिस स्थान पर गायों को रखा जाता है उसे गोशाला कहते हैं। गोशाला भी मंदिर के समान पवित्र और पूजनीय होती है। जो मनुष्य रोज गौशाला जाकर गायों की सेवा करता है उसे निश्चित ही भगवान कृष्ण के राम गोलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य परिस्थितियों की वजह से गौशाला में सेवा न भी कर सके वे अगर पवित्र मन से गौशाला के दर्शन मात्र कर ले तो भी उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। छह, गोखुर। गाय अपने पैर के निचले स्थान से जमीन को खुरचती है उसे ही गोखुर कहते हैं। गाय के पैरों को तीर्थ के समान माना जाता है। किसी भी शुभ काम पर जाते समय अगर गाय के पैरों के दर्शन कर लिए जाए तो काम में सफलता जरूर मिलती है। गाय के पैरों के दर्शन करना भी पुण्य और लाभ पाने का आसान उपाय है। सात, पकी हुई खेती। फसलों से भरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद होता है। हरे भरे खेतों को देखकर मन को शांति मिलती है। फसलों से भरे हुए खेत केवल सुंदरता ही नहीं पुण्य के भी प्रतीक होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पकी हुई फसलों से भरे हुए खेत को देखने से मनुष्य पुण्य और लाभ मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।